नमस्कार, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में। मैं गृह विज्ञान प्रवक्ता डॉक्टर वंदना यागे, आज मैं आप सभी के समक्ष फैशन और विद्यार्थी विषय पर चर्चा करूंगी कि किस तरह से हमारे विद्यार्थी पर फैशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक समय था जब हमारे माता पिता हमारे लिए अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े लाते थे और हम उसको पहन लिया करते थे। तब बच्चों को इतना ज्ञान नहीं था कि फैशन के वस्त्र पहनना भी क्या होता है। माता पिता जो कपड़े लाकर देते थे वह कपड़े हम बड़ी खुशी से पहन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज और परिस्थितियाँ इतनी चेंज हो गई हैं कि आज बच्चों का फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान आकर्षण देखने को मिलता है। आज के युग के छोटे छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उन्हें भी फैशन का कीड़ा काटने लगा है। बहुत आश्चर्य होता है यह देखकर कि जिस फैशन का क्रेज युवा पीढ़ी तक सीमित था, आज वह छोटे बच्चों से लेकर प्रौढ़ और वृद्धाजनों तक इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। आजकल के इस आधुनिक युग में विद्यार्थी और फैशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छी बात है, फैशन करना भी अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थी जो अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वह अपने इस जीवन में तरह तरह के फैशन अपनाते हैं। यहाँ पर फैशन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा अपने खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि में तरह तरह के बदलाव लाना फैशन होता है। आज की इस आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा फैशन का प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है वह विद्यार्थियों पर पड़ा है। विद्यार्थी क्या करते हैं, अभिनेता और अभिनेत्रियों के द्वारा अपनाए गए नए नए फैशन को अपनाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के रोल मॉडल तो वही बन चुके होते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्होंने क्या पहना है, किस तरह का फैशन किया है, तो वही अपनाते हैं और वही करके वो कॉलेज या स्कूल जाते हैं, उनको वही अच्छा लगता भी है। इन फैशन को अपनाने वाले लड़के लड़कियां दोनों होते हैं, जिस वजह से इस युवा उम्र में उनकी काफ़ी नुकसान भी होता है। वह क्योंकि बहुत सारा अपना समय और अपना पैसा फैशन पर ही खर्च कर देते हैं। पहले के ज़माने में फैशन सिर्फ जो गृहस्थ थे वही अपनाया करते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में सभी तरह के वर्ग के लोग फैशन अपनाने लगे हैं। जिनमें फैशन अपनाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की है तो वह हमारे विद्यार्थियों की है। इन विद्यार्थियों में युवक युवतियाँ हैं। आजकल के फैशन के इस दौर में लड़के लड़कियों को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं, लड़कों की तरह अपना हेयर स्टाइल बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लड़के भी हैं जो लड़कियों की तरह अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है। विद्यार्थी जीवन वह जीवन होता है जिसमें एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा का ज्ञान कराकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करता है, उन्हें शिक्षा देता है। लेकिन फैशन के दौर में विद्यार्थी शिक्षा से ज़्यादा अपने फैशन पर ध्यान देते हैं। लोगों का फैशन बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। आज हर कोई चाहता है कि मैं किसी दूसरे के सामने अच्छा दिखूं, अच्छे कपड़े पहनूं, नए नए फैशन के साथ उसके सामने जाऊं, जिससे उस पर मेरा कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सके। विद्यार्थियों का यह फैशन सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रह गया है, गांव के विद्यार्थी भी आज फैशन में काफ़ी आगे हैं। कॉलेज में भी युवक युवतियां अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह के फैशन करके जाते हैं कॉलेज। वह समझते हैं कि इससे मैं सामने वाले पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आजकल के इस आधुनिक युग में ज़्यादातर लोगों की धारणा बन चुकी है कि जो भी विद्यार्थी नए फैशन के साथ कॉलेज में नहीं आता है उसको कुछ भी नहीं समझा जाता या उसका मजाक उड़ाया जाता है। आजकल के ज़माने में विद्यार्थी और फैशन दोनों साथ चल रहे हैं। फैशन अपनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में हर किसी विद्यार्थी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फैशन से ज़्यादा उसको अपनी शिक्षा के ज्ञान में ध्यान देना है, नहीं तो शिक्षा के ज्ञान में कमज़ोर हो सकता है। उसे हमेशा शिक्षा ग्रहण करने के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी वह जीवन में अपने आगे बढ़ सकेगा तथा हर किसी को ऐसे नए फैशन से भी बचना चाहिए जो भड़कीले हों, क्योंकि इससे वह अपने आप को मुसीबत में भी डाल सकते हैं और उसका
जीवन मुसीबत में पड़ सकता है और जीवन बर्बाद भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को केवल केवल शिक्षा ग्रहण करने के बारे में ही सोचना चाहिए, उसको अपने शिक्षा के स्तर को बेहतर कैसे बनाया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि फैशन के बारे में। फैशन करने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, इस फैशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी जीवन का जो अमूल्य समय है वो नष्ट होता है। एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। जहाँ तक हो सके हमें सादा जीवन अपनाना चाहिए और विचार हमारे उच्च होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये ना कर सकें तो कम से कम अपने विद्यार्थी जीवन को अमूल्य समझते हुए विद्यार्थी जीवन में जरूर ही सादा जीवन अपनाना चाहिए, इससे आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो सके। पहले के ज़माने में विद्यार्थी फैशन नहीं करते थे, सादा जीवन अपनाते थे, वह अपने गुरु के साथ गुरुकुल में रहते थे। सादा जीवन और उच्च विचार ही उनका विद्यार्थी जीवन था। उनके पास ना तो फैशन अपनाने के लिए समय था और ना ही परिवार वाले किसी तरह की उनकी मदद किया करते थे। लेकिन आज के बदलते ज़माने में विद्यार्थियों के लिए फैशन को अपनाने के लिए परिवार के लोगों द्वारा भरपूर मदद की जाती है। विद्यार्थी फैशन के नाम पर बहुत पैसा खर्च भी करते हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसा सोचते हैं कि जो अपने दोस्त से पढ़ाई के मामले में आगे निकले ना निकले, लेकिन अपने दोस्त से फैशन के मामले में उसको आगे जरूर निकलना है। आजकल विद्यार्थियों की ये थिंक हो गई है, वह बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं इस फैशन के लिए, उनका अमूल्य समय हमेशा बर्बाद होता है और अपने अमूल्य समय को खोकर जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों का जीवन और उनका समय बहुत ही अमूल्य है। विद्यार्थियों पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है, लेकिन अगर विद्यार्थी अपना अमूल्य समय बर्बाद करते रहे इसी तरह, तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। इसलिए हमें विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा विद्या अर्जित करने की ओर ध्यान दिलाना होगा और इस फैशन के कीड़े को विद्यार्थियों से दूर करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पर आप सभी से एक बार पुनर्निवेदन है कि हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।